एवरीवन, मैसेल डॉक्टर संस्कृति। तो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग फैटी लीवर। एक्चुअली में फैटी लीवर कौन सी प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे इसके कॉजेज हैं एंड क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये सब आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज फैटी लीवर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फैटी लीवर मतलब लीवर में एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो जाना इज फैटी लीवर। जब भी हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है और लीवर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं फैटी लीवर। अब ये एक्स्ट्रा फैट जमा कैसे होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी या फिर हाई शुगर लेवल। जब भी हमारी बॉडी का शुगर लेवल हाई होता है या फिर हम ओबीज होते हैं, हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारे चांसेस होते हैं जो हमें फैटी लीवर हो सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि मे बी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एक्चुअली में आपको फैटी लीवर है लेकिन सिम्टम्स की वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कितनी बार हमारी बॉडी में प्रॉब्लम रहती है लेकिन हमें नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि सिम्टम्स वेरी करते हैं। प्रॉब्लम आपके लीवर में है लेकिन आपको हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो उससे कोई भी लिंक नहीं कर पाता है एट टाइम्स कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ज़रूरी नहीं है कि फैटी लीवर उन्हीं को हो जो ओबीज हैं या फिर जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। कई बार माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हम फैटी लीवर की प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। अदरवाइज जिनका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है उनको भी एट टाइम्स फैटी लीवर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस नहीं है कि फैटी लीवर उन्हें ही होगा जो ओबीज है या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द साइंस, कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो। सी, अगर आपकी बॉडी में कभी भी चेंजेस आते हैं जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल चेंजेस जब भी आप फेस करते हो तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। चाहे आपको प्रॉब्लम कैसी भी हो, हल्की हो, ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो एकदम से आपको सही इलाज मिलेगा। एट टाइम्स हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें इनिशियली पता ही नहीं होता कि उन्हें सिम्टम्स एक्चुअली में हैं कौन से, और उन्हें लगता है कि हमें ये नहीं ये वाली प्रॉब्लम है, तो पेशेंट्स खुद से अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या पता हमें वीकनेस की वजह से हो रहा हो, क्या पता हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है तो मैकेनिकल पेन हो। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो पहले आपको कंसल्ट करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जो जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट कैन लीड टू फैटी लीवर और मे बी यू मस्ट बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ फैटी लीवर। तो हम सबसे पहले जिस सिम्टम के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ नोजिया। नोजिया बहुत कॉमन है, हमें कभी भी नोजिया की फीलिंग आ जाती है एट टाइम्स। तो ये बहुत ज़्यादा एक सीवियर टाइप ऑफ सिम्टम नहीं है, कि एक एक्यूरेट सिम्टम नहीं है कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ फैटी लीवर है, लेकिन नोजिया एक सिम्टम है। नाउ द सेकेंड इज पेन, सीवियर पेन होता है। कई बार हमें इंडाइजेशन हो जाता है, हमें ऐसा लगता है पेट भरा भरा लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता, हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे पेट में ही अटक रहा है, मतलब नीचे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं हो रही है, पेट भरा भरा लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ खाएंगे तो दैट विल कम आउट, मतलब वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स भी हैं। येल्लोइश बॉडी, येल्लोइश हो जाना, हमारे हाथ पैर लिम्स, हमारी बॉडी, हमारी आईज़ एट टाइम्स येल्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो इनसे भी आपको लगेगा कि हाँ मे बी फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मली भी बैठे हुए हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि बस लेट जाएं या फिर हम कुछ काम ना करें, लिथार्जिक रहती है, हम बहुत लेज़ी फ्रंपी रहते हैं, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो ये सारे साइंस भी हैं जिनसे आपको कहीं ना कहीं फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा साइन है वो है स्वेलिंग। एट टाइम्स क्या होता है, हमारे पैरों पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। फैटी लीवर, अब थोड़ा सा हम इसको अगर लिंक करें तो फैटी लीवर मतलब लीवर फैट हो जाना, तो मतलब अगर हमारी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है दैट कैन लिंक टू स्वेलिंग। अगर हमें स्वेलिंग बढ़ रही है, मतलब हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, चाहे आपके हैंड्स में आ रही है, एट टाइम्स जो हमें देखने को मिलती है वो हमारे लोअर लिम में होती है, मतलब हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आपके पैरों में भी स्वेलिंग आ रही है और आपको ये सारे साइंस अगर आपके हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको लग रही है कि हम थोड़ी देर के लिए भी चलते हैं या उठते हैं तो हमें बस जल्दी से बैठने का मन करता है, तो ये सारे साइंस हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डॉक्टर्स। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, उन्हें अपने साइंस बताओ, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, जिससे आगे आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हो सके और आप ढंग से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपने लिए सेट कर सको और डॉक्टर भी आपको अच्छे से गाइड कर सके। क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपन, हमारे सिम्टम्स हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये इस वजह से होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लास्ट कर जाती है। तो आपको इनिशियली अगर कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं तो डू कंसल्ट योर डॉक्टर, ताकि प्रॉब्लम सीवियरिटी में ना जाए, ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो और आप जल्दी से उसको अर्ली डायग्नोसिस हो सके, अर्ली ट्रीटमेंट हो सके,
अगर आपको लीवर से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लीवर तो चलो यू डोंट नो कि आपको प्रॉब्लम किस रिगार्डिंग हो रही है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जैसे स्वेलिंग या जो भी मैंने सिम्टम्स अभी बताए हैं, तो प्लीज़ डो विजिट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, मेडिकेशंस प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, जो जो आपके रिकमेंडेशन से सब कुछ फुलफिल होंगी। तो प्लीज़ डू कंसल्ट अस एंड यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर फर्दर आप कहीं और से मेडिकेशंस ले रहे हैं, या फिर आपका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा है लेकिन आपको कोई असर नहीं दिख रहा है एंड यू ऑलरेडी नो कि यू हैव फैटी लीवर, तो प्लीज़ कंसल्ट करिए एक बार, हम आपको बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो समझ आई हो, आपको सभी साइंस एंड सिम्टम्स जो भी मैंने बताए हैं सब कुछ समझ आया हो। अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो डायरेक्टली कॉल करिए या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।